कैंट थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर से पैरलेगंज जाने वाली रोड पर डंपर व पिकअप में हुई टक्कर में 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि सुबह 5 बजे डंपर व पिकअप के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें डंपर अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे जाकर पलट गई, जिसमें दबकर 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग घायल हो गए। वही घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्तियों को अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है और मृतक व्यक्तियों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रदेश सरकार की तरफ से मृतक तीनों व्यक्तियों के परिजनों को 2,00,000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। घायल दोनों व्यक्तियों को 50,000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। वहीं डंपर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, गिरा का रहा था, सर 3 लोग मर्टर हो गया, एक घायल हो गया बच्चा, और 4:30 बजे करीब वही हुआ है, घटना हुई। हम लोग रोड के साइड में सो रहे थे, बंदा बोलो नशा में होगा, जहाँ तक पहले पिकअप को मारा डाला में, पिकअप में मारा है, उसके बाद हमारे साइड से मारा, फिर निकले के लिए। जी आज सवेरे सुबह 5 बजे के करीब थाना कैंट में पैडलेगंज के नज़दीक एक पिकअप और डंपर में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कि डंपर सड़क छोड़कर पास की खाई में उतर गया। इस घटना में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और 2 घायल हुए हैं। जो घायल हैं उनकी स्थिति अभी ठीक है, जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। फिलहाल उनको तीनों मृतकों को प्रत्येक को 2,00,000 रुपए मुआवजे के तौर पे और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए दिए गए हैं। और मैंने और जिलाधिकारी महोदय ने मौके पर जाकर घायलों से मुलाकात की है और जो घटना स्थल है वहां पर जाकर उनके परिवारजनों से वार्ता कर सभी प्रकार की सहायता देना ये आश्वासन दिया है उनको। और इसमें जो अभियुक्त है ड्राइवर वो गिरफ्तार हुआ है, उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। जो डंपर है उसको मौके से हटवा कर कब्जे में लिया जा रहा है और इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है।